Welcome to Best Notes tutorial. In this video, we are going to look at timeline of history of English literature. We will be covering all ages in this series. And here are my notes. So you can see that before Chaucer, we will start studying English literature from here. So before Chaucer, it was 450 to 1340. If you are studying or you are just starting studying history of English literature, अगर आप history of English literature को just start कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो करना है कि आपको ये पूरी timeline आप लोगों को रट लेनी है, क्योंकि एक बार अगर आप timeline रट लेंगे तो उससे आपका benefit क्या होता है कि आपको analyze करने में easy रहता है, और आप किसी भी age की theme हो या किसी भी एज का जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप इजीली अपने ब्रेन में इस्टेब्लिश कर पाते हैं. अगर आपने इस पर मेहनत करनी है तो आप लोग कम से कम 2 से 3 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ टाइमलाइन पे वर्क कीजिए. जब आपको बाद में इसका बेनिफिट पता चलेगा, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइमलाइन एक बार इस्टेब्लिश हो गई तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बजाय कि आप शुरुआत करेंगे चौसर से, आप चौसर को स्टडी करेंगे, देन एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन, चौसर, नरवेनेसा, आप इस तरह से स्टडी करते हुए चलेंगे. उससे पहले बस इसमें आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया पूरी जो टाइमलाइन है उसका होना चाहिए, तब जाके आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर, या उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर चौसर, ये आपका टाइम पीरियड था 450 टू 1340, जैसे कि आपको पता ही है 1340 में चौसर का जन्म हुआ था, ही वॉज़ बॉर्न. सो वहाँ से हम आ जाएंगे यहाँ से 1340, लेकिन इसके बीच में कुछ टाइम लाइन जो डिवाइड की जाती है वो की जाती है एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड. तो जो ये पीरियड है आपका 1066, इसमें नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था, तो इस वजह से यहाँ से शुरू किया जाता है. तो एंग्लो सेक्शन आपका हो गया 450 to 1050 तक, 1066 से और 1340 तक आपका एंग्लो नॉर्मन पीरियड है. एज ऑफ चौसर, ये आपका 1340 to 1400, यहाँ पर चौसर की डेथ हो जाती है, तो यहाँ तक हम इसको इस पीरियड को मान के चलते हैं. आगे चलते हैं, डेथ ऑफ चौसर टू रिनेसा, तो रिनेसा तक या रिबर्थ ऑफ नॉलेज तक आपका 1400 to 1516 तक इस पीरियड को माना जाता है. अर्ली रिनेसा का पीरियड, अब रिनेसा को ही हमने क्या किया है, डिवाइड किया है हमने तो क्या कहेंगे, लेकिन लिटरेरी हिस्टोरियंस ने इसको डिवाइड किया कुछ पार्ट्स में. तो अगर आप देखेंगे इसमें जो पोइट्री सेक्शन है वो आपका है 1568 to 1603, जेकोबियन पोइट्री 1603 to 1625, प्रोज का जो पीरियड है, अब ये जो एक तरह से कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है या इसको हम कहें पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो वो आपका क्या है कि पोइट्री जो सेक्शन था 16, क्योंकि जब हम रिबर्थ ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, रिनेसा की बात करते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से डिवेलप हुई हैं इंग्लिश लिटरेचर में इस पीरियड में, ठीक है. तो वो कौन कौन सी चीज़ें, जो पोइट्री डिवेलप हुई वो पीरियड था आपका 1568 to 1603 तक, जेकोबियन पोइट्री जो थी वो 1603 to 1625, प्रोज जो थी वो आपका 1560 to 1625, ड्रामा जो है आपका वो 1568 to 1625, ये आपका पीरियड है. इसमें जो ड्रामा डेवलप हुआ है सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है, इसके बीच में ही आपको देखने को मिलेगा कि शेक्सपियर के जो ज़्यादा वर्क हैं वो आपके इसी के इन बिटवीन आपको मिलेंगे. पोस्ट शेक्सपियरन ड्रामा, जो शेक्सपियर की जब डेथ हो गई थी 1616, तो उसके बाद की अगर हम बात करें तो 1625 to 1642 एक ऐसा पीरियड है जब बहुत ज़्यादा क्या था, ड्रामा को ब्रिटेन में हेट करना शुरू हो गया था या ड्रामा को क्लोज़ कर दिया गया था, यहाँ तक कि बहुत सारे थिएटर्स क्लोज़ हो गए थे 1642 में. और ये पीरियड कब था, शेक्सपियर के जस्ट बाद. तो इम्पॉर्टेंट है ये डेट, या यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं 1642 को. उसके बाद आते हैं अर्ली रिनेसा, 1516 to 1558,
एज ऑफ शेक्सपियर, जो एज ऑफ शेक्सपियर माना जाता है वो आपका 1558 टू 1625 माना जाता है। अब आप बोलेंगे कि 1616 में तो शेक्सपियर की डेथ हो गई थी, तो 1625 कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि जो एज इंग्लिश लिटरेचर में पर्टिकुलरली किसी एज का नाम इस तरह से रखा जाता है कि जहाँ तक उस राइटर का इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अब नीचे देखिए, रोमांटिक पीरियड है या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहते हैं, तो वर्ड्सवर्थ को ये डेडिकेट इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो था वो क्या था, वर्ड्सवर्थ का अच्छा इन्फ्लुएंस रहा इसके बीच में, तो इसलिए इसको वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट कर दिया गया। तो यहाँ पे शेक्सपियर को इसलिए डेडिकेट किया गया है क्योंकि शेक्सपियर का उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। द रेस्टोरेशन पीरियड, यहाँ पे 64 का रेस्टोरेशन होता है, उनको दोबारा अपनी राजगद्दी मिलती है, तो रेस्टोरेशन पीरियड ये 1660 टू 1700, और यही पीरियड किसका था, ड्राइडन का पीरियड था। तो इसे एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है और इसको रेस्टोरेशन पीरियड भी कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, डीपीजे, इस तरह से आप इसे डीपीजे, आप इसको क्या कर सकते हैं या इजीली याद रख सकते हैं, डीपीजे यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द एज ऑफ पोप, द एज ऑफ पोप है वो है आपका 1700 टू 1750। और जब भी आप इसको याद करें, जब आपको कोई याद करने हो, ये डिजिट याद करने, तो आपको 750 या आप 798 इस तरह से याद करने के बजाय 1798 याद रखिए। और उससे पहले आपको पीछे की डिजिट आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। जब आप पीछे की डिजिट जो है वो आपको याद रहेगी, तो आप इजीली आप लोगों को बाकी चीज़ें ऑलरेडी याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे है आपका द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, द रेनेसा ऑफ वंडर, इसे रोमांटिक पीरियड भी कहा जाता है, और रोमांटिक पीरियड ये वर्ड्सवर्थ को आपका डेडिकेटेड है। तो आप इसे इस तरह से डी पी जे और डब्ल्यू इस तरह से शॉर्ट में याद रख सकते हैं, डी पी जे डब्ल्यू। तो एक सीक्वेंस में आप लोगों को राइटर भी याद हो जाएंगे, और इसके बाद आपको टी मेंशन कर देना है, तो डी पी जे डब्ल्यू टी। ओके, तो आपको ये याद रहेंगे कि राइटर्स का भी आपको सीक्वेंस याद रहेगा। तो आपको, आप इंजॉय करेंगे फिर कि जैसे जैसे आपको सीक्वेंस अगर ऑलरेडी याद है तो आप इजीली इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो देखिए इस तरह से कि भी आप लोग याद रख सकेंगे, जैसे पोप है यहाँ पे, तो पोजो, और फिर आप वो से याद रख सकते हैं इसको, और उसके बाद सिंपली आपका एम ओ है, तो देखो POJOWAMO इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बीच में विक्टोरियन एरा आता है, किसी तरीके से आपको इसे याद रखना है। ठीक है, तो VI इनके बीच में, क्योंकि एक तरह से आप लोग यहाँ पे देखिए कि हम लिख रहे हैं POJOWOMO, इस तरह से हमने लिखा है, तो देखिए ये सारी सारा एक जैसा है, तो ये तो आप लोगों को याद रहेगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है कि VI इसके बीच में आता है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये हमें याद हो जाएगा। तो दोनों सीरीज आप लोगों को इस तरह से याद हो जाएंगे, DPJWT एंड POJOWO और VI एंड MO, तो इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से याद रख सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है रिपीटिशन बढ़ा दीजिए, जो आपका इतना ये सारा है इस पे आपको एटलीस्ट 5 टू, जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए बैठें तो एक चैलेंज रखिए अपने लिए कि 5 मिनट आपको क्या करना है, इस एक पेज पर आपको डिस्कशन करना है, या आपको इसके बारे में सोचना है कि ओके, आपको सबसे पहले जैसे आपने चौसर सेक्शन एंग्लो नॉर्मन चौसर पढ़ते जा रहे हैं आप, अब इसके बाद सेकंड जो स्टेप आएगा वो ये होगा कि आपको इनकी थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, कि जैसे विक्टोरियन एरा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइंस और जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट थे वो साथ साथ चलते थे। ठीक है, आप रोमांटिक पीरियड में आ जाते हैं, तो रोमांटिक पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो एक फ्री एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, वो आपका रोमांटिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप जस्ट शुरू कर रहे हैं। रेस्टोरेशन इज क्या है, रेस्टोरेशन किस चीज़ का रेस्टोर हुआ होगा, मतलब कौन चीज़ फिर से दोबारा से वहाँ पे हुई होगी, तो रिस्टोर क्या हुआ है वहाँ पे, सिंपली जो 64 था उसका रेस्टोरेशन हुआ है। एज ऑफ शेक्सपियर के बारे में सिंपली आपको ड्रामा याद रखना है, इतना इतना ड्रामा उस टाइम पे लिखा गया था,
रिनेसा क्या है? ये बर्थ ऑफ नॉलेज है. बर्थ ऑफ नॉलेज कहाँ से शुरू हुआ था? इटली से शुरू हुआ था. अच्छा ओके, आप लोगों को इस तरह से जो एज ऑफ चौसर है इसे सिग्निफिकेंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट एज कहा जाता है. जैसे कि अगर मैं आपको अगले नोट्स में आपको दिखाऊँ इसको, तो ये है आपका, ठीक है. तो एज ऑफ चौसर को अभी हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसके बारे में फिर से. तो आप देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट एज है, ठीक है. तो आपको मैं एक सजेशन भी दूंगा कि अगर आप भी इस तरह से नोट्स बना रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि हर एक पेज में कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, बुक्स उठाते हैं और पूरा का पूरा मैटर अपने नोट्स में लिख लेते हैं. तो फिर वो नोट्स ना हो के बुक ही हो गई है, हमने बुक को ही कॉपी कर लिया पूरा. तो अब देखिए नोट्स क्या होता है कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स होने चाहिए. अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये मैंने नोट्स तैयार किए हैं और यहाँ तक आप देखेंगे तो सारे आपको टोटल सिर्फ कीवर्ड्स दिखाई देंगे. जहाँ पे भी आप एक तरह से देखेंगे तो आपको कीवर्ड्स दिखाई देंगे और वही कीवर्ड्स आपके क्वेश्चंस होते हैं. जैसे नॉर्मन कन्क्वेस्ट कब हुआ, ओके 1066, बिगिनिंग ऑफ 100 ईयर वॉर 1338. अब देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट करता हूँ तो ये आपका 100 ईयर्स वॉर हो गया और नेशनल यूनिटी वॉज स्ट्रेंथन, ओके. यहाँ पे आपका नॉर्मन इन्वेडेड इंग्लैंड, कब इन्वेड किया था, तो 016 यूज हुआ था. तो ये सब आपके क्या हैं, कीवर्ड्स हैं. तो जब भी आप जैसे ब्लैक डेथ हो गया तो कब हुआ था, तो ये तीन ईयर्स थे जब हुआ था, 62, 70, 67 एंड 70 में हुआ था. तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स अपने नोट्स में रखने हैं. तो हम डिस्कशन करेंगे एज ऑफ चौसर इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू.